हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा, अगर आप लोग जो है ऑटोमेटिक स्क्रीन टच का जो प्रॉब्लम है उसको फेस कर रहे हो, आपका जो स्क्रीन है ऑटोमेटिकली वर्क करता है, तो किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहो और ऐसे ही मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम काफी सारे लोगों को भाई जो है देखने को मिलता है, ऑटोमेटिक जो है उनका स्क्रीन काम करता है, ऑटोमेटिकली टच होता है, तो किस तरीके से आप लोग जो है इसको सॉल्व कर सकते हो, तो इसके ऊपर मैंने काफी सारे वीडियोस ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं, तो उसको आप लोग देख सकते हो अगर आपका उससे सॉल्व हो जाए। तो ये लेटेस्ट वीडियो है, तो इसको आप लोग पहले देख लो, उसके बाद आप लोग ओल्ड वीडियो पे जा सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, जो है आपको मैं अगर आपको बताऊं, अगर आपका डिवाइस हार्डवेयर के अंदर कोई इशू नहीं है तो सबसे पहले जाना होगा अपने सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर। यहाँ पर आपको चेक करना है कि कोई नया अपडेट आया है, तो तुरंत से ही आपको जो है नया वाला अपडेट इंस्टॉल कर लेना है अपने मोबाइल के अंदर। काफी सारे लोग करते क्या है कि अपनी डिवाइस को बिल्कुल भी अपडेट नहीं करते, जब से डिवाइस लिया होता है तब से कोई भी अपडेट अपने फोन के अंदर नहीं करते। तो भाई अपडेट आप लोग करना चाहिए, क्योंकि अपडेट के बाद जो है काफी सारे बग्स को जो है अपडेट में फिक्स किया जाता है। तो आप लोग, हो सकता है कि आपका अपडेट नहीं हुआ है डिवाइस, इसलिए आपके डिवाइस के अंदर ऑटोमेटिकली जो डिवाइस वो काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, तो ऐसा भी काफी सारे लोग को हो सकता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप लोग अपने डिवाइस को अपडेट कर लेना, इससे आपका प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो सकता है। और भाई यहाँ पर जो है काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है कि भाई उनका जो स्क्रीन है वो थोड़ा सा, मतलब ऐसा होता है कि स्क्रीन गार्ड लगाने के बाद काफी सारे लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो देखो, यहाँ पर स्क्रीन प्रोटेक्शन का भी काफी बड़ा जो है यहाँ पर हाथ होता है। अगर आपका स्क्रीन प्रोटेक्शन सही से लगा हुआ नहीं है, थोड़ा बहुत अंदर दब गया है या फिर कुछ ऐसा अच्छे से फिट नहीं हुआ है, तो काफी सारे लोगों को इसी वजह से जो है स्क्रीन प्रोटेक्शन की वजह से उनका जो डिवाइस है ऑटोमेटिकली वर्क करने लगता है। ऐसा काफी सारे लोगों को जो है प्रॉब्लम होता है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी दोस्तों, आप लोग जो है चेक कर लेना पहले कि अगर आपका स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाने के बाद अगर आपका ऑटो टच का प्रॉब्लम हो रहा है, तो हो सकता है आपके स्क्रीन प्रोटेक्टर में ही कोई इशू होगा, आपको नॉर्मली पहले चलता हुआ। तो काफी सारे लोगों को जो है इस तरीके का प्रॉब्लम होता होगा स्क्रीन प्रोटेक्टर लगाने के बाद ही। और यहाँ पर देखो, सबसे मेन चीज जो इसके अंदर होता है वो होता है काफी सारे यूनिट के अंदर जो है ये प्रॉब्लम होता है, काफी सारे यूनिट के अंदर ये प्रॉब्लम नहीं होता। यानी कि मेरा जो पोको M2 Pro था, पोको M2 Pro के अंदर काफी सारे लोगों को ऑटोमेटिक जो है स्क्रीन वर्क का प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन मेरे डिवाइस के अंदर नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे यूनिट के अंदर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। तो काफी सारे लोगों को यूनिट के अंदर ही जो है प्रॉब्लम होता है, काफी सारे फोन के यूनिट के अंदर ही प्रॉब्लम होता है, दिक्कत होता है, इसी वजह से जो है उनका डिस्प्ले जो है ऑटोमेटिकली वर्क करता है। तो काफी सारे लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है। तो वो जो एक हार्डवेयर प्रॉब्लम है उसको आप लोग सॉफ्टवेयर के जरिए से, किसी भी तरह सेटिंग वगैरह के जरिए से आप लोग फिक्स नहीं कर पाओगे। उसके लिए जो है आपको सर्विस सेंटर जाना होगा, या फिर आपका डिस्प्ले चेंज होगा, या फिर वहां पर सर्विस सेंटर वाले कुछ आपको करके बताएंगे। और मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप लोग जो अपने जितने भी जेस्चर वगैरह यूज करते हो सभी को आप लोग बंद कर देना है, जेस्चर से भी काफी सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है ऑटोमेटिकली टच का। बस ऐसे कुछ टिप्स मैंने जो आपको दिए, जो कि आप अगर फॉलो करते हो तो 100% आपको जो प्रॉब्लम है काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा ऑटोमेटिक स्क्रीन वर्क का, और नहीं होता तो आप लोग सर्विस सेंटर जा सकते हो। ये था वीडियो दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।